जिंदा गेमों की, रिपोर्ट दे रहे हैं। आप भी मिशन टीवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे बड़ा सैलाब देखने को आ रहा है। विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम राजस्थान प्रदेश के जिला जोधपुर में हैं। राजस्थान प्रदेश के जिला जोधपुर में भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सामाजिक न्याय सम्मेलन यानी कि चौथे सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आप तैयारियों को मैं आपको दिखाऊं, तैयारियां काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर हैं और पूरे ग्राउंड को नीले रंग में रंग दिया गया है और आजाद समाज पार्टी के जो चुनाव चिन्ह उसका जो कलर है उसी तरीके से पर्दे यहाँ पर लगाए गए हैं। तैयारियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो गायकार हैं वो आएंगे, यहाँ पर तमाम नेता बैठाए जाएंगे और सामने का मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके की अच्छी सजावट यहां पे की गई है। भीम आर्मी के तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां तैयारियां जोरों पर है। अभी कार्यक्रम शुरू होने में कई घंटों का समय बाकी है और 8 बजे की सीधी ग्राउंड रिपोर्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियाँ आकर किस तरीके से की जा रही हैं यहाँ पर। सामाजिक न्याय सम्मेलन, चौथा सामाजिक न्याय सम्मेलन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। बहुत जोरदार है, चल रही है और जनता में और युवाओं में बहुत जोश है और चंद्रशेखर जी के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है और चंद्रशेखर के नाम के दीवाने, इसलिए भीड़ का आर पार होगा। मुकाबला भीड़ का आर पार होगा, बिल्कुल। ऐतिहासिक तीन सम्मेलन हो गए, तीन सम्मेलन में जो भीड़ आई थी उससे ज्यादा आ गई और ये थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा प्रावधान गलत हुआ है, फिर भी समय रहते हुए सुधर गए मौसम, तो भीड़ का अनुमान आप नहीं लगा सकते। मान लीजिए बारिश आ गई, फिर भी बारिश का हम परवाह नहीं करते, हम दिल से चाहते हैं भाई को, इसलिए आर पार लोग आ रहे हैं और फिर भी हमारे लोग डटे रहेंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं होंगे, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, हम लोग इन बारिश तूफान से डरने वाले नहीं है। ये तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर से सीधी तस्वीरें और ये मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। सजावटें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा रही हैं। अभी कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा समय है, फिर भी तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो भी यहाँ घटनाक्रम होगा, जैसे भी कार्यक्रम किया जाएगा, वो हम आपको बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आर्मी का कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कार्यक्रम की तैयारी है, किस नज़र से देख रहे हो, क्या बदलाव होगा इस सामाजिक न्याय सम्मेलन के बाद? दिलीप बलासा, जिला संयोजक, बाड़मेर से। मैं क्या लग रहा है भाई साहब, आज आ रहे हैं, ये चौथा सामाजिक न्याय सम्मेलन है हमारे राजस्थान में और इससे पहले तीन सामाजिक न्याय सम्मेलन हो चुके हैं और जिस तरह प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह दलितों पर, जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर जिस तरह अत्याचार हुए, उनका जवाब देने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और राजस्थान के 7 जमा गए उनमें ये सामाजिक न्याय चौथा है। हाँ, ये चौथा है और 7वां जो फाइनल होगा वो जयपुर में होगा और ये हमारा शक्ति बल से हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम इतनी संख्या में और हम कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं आए दिन, जो जिस प्रकार की घटना, एक पता है कि जहाँ टंकी पे चढ़े, बिल्कुल वो जो पालिका मामला है उसमें वो भाई साहब है, पिछली साल का ही वो उनके साथ में हुआ है कि उनकी माँ को, बहन को पीटा गया, उनके बाद FIR भी हुई लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो अन्य अत्याचार के खिलाफ आपका ये समाज? जी बिल्कुल, और हम ये सत्ता परिवर्तन के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। कितना परिवर्तन होगा? बिल्कुल, इस बार लगभग 100% अनुभव एक्सपीरियंस है कि लोगों का जो हौसला देखते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। लोग भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको लगता है कि एक बड़े भाई भीम आर्मी चीफ एडवोकेट ही एक ऐसे विकल्प हैं जो लोगों को अन्याय के खिलाफ से बचाकर वो न्याय दिलवाने के काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल करेंगे, ये लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है। चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को किस नज़र से क्या कहना चाहोगे उनके लिए? चंद्रशेखर भाई जी का जो संघर्ष है वो काफ़ी ले तारीफ है और उनके लिए हम शुक्रिया कहते हैं कि भाई जिन्होंने उन्होंने जितना हमारे बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने 7 सालों के अंदर जो काम किया, बहुत ही धुआंधार काम किया। क्या लगता है, धुआंधार काम किया? बिल्कुल, एक ही व्यक्ति क्यों बोल रहा है बताइए आप? बिल्कुल किया भाई ने, काम किया, बिल्कुल किया है भाई ने। क्या भाई का नाम ही परिवर्तन नहीं है भाई, एकदम मतलब जो काम करते हैं परिवर्तन नहीं ही लाते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनका वही चलता है, जो भी करते हैं वही दिखाते वही करते हैं। आरोप लगते आ रहे हैं उन पे कि ऐसे ही उनका काम, उनका आरोप से कुछ नहीं होता, जो आरोप लगाने का काम है वो आरोप लगाने में अपनी लाइफ काटेंगे। देखो जो धरातल पर काम करता है हम उनको मानते हैं और भीम आर्मी चीफ जो एडवोकेट जी है चंद्रशेखर जी आजाद, वो वाकई में जो धरातल पर हर राज्य में वो सबसे पहले पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भी अन्याय अत्याचार होता है वह सबसे पहले कदम रखने का प्रयास करते हैं। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, 100%।
एक बार सभी लोग नारा लगा, तो देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे जोश है, क्या लग रहा है। इस बार 100 में से 100% हमें विश्वास है पूर्ण रूप से कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 100% बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। ताली वाली बजा के जोश की ना गेहूं की, किस तरीके से यहाँ पे जोश है। और हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, आप भी मिशन टीवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें।